जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ने और सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के बेहतर इलाज की मांग को लेकर शिव सैनिकों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम ज्ञापन देकर निजी अस्पतालों में डेंगू से पीड़ित मरीजों के आर्थिक शोषण और मुरादाबाद महानगर के पैथोलॉजी लैबों द्वारा डेंगू और मलेरिया की जाँच के नाम पर की जा रही लूट का आरोप लगाया। नेतृत्व जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने किया। बुधवार की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन कर बढ़ते डेंगू के प्रकोप में जिला अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रदेश के साथ साथ जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिला अस्पताल में इसके लिए अभी तक कोई भी ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है। शिवसेना के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि डेंगू से बचाव को लेकर जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं कराई जाए। महानगर की पैथोलॉजी लैबों द्वारा डेंगू और मलेरिया की जाँच के नाम पर की जा रही लूट पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन देने वालों में जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा, महानगर प्रमुख कमल सिंह राव, मुदित उपाध्याय और विपिन भटनागर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज सीएमओ साहब के हमने पिछले हफ्ते आप लोगों के माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया था। लगातार डेंगू की बढ़ रहा और डेंगू बढ़ने के साथ साथ जो मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ रही है। हमने पीछे भी ये शिकायत करी थी कि एक तरफ से शासन के द्वारा आदेश पारित हैं कि 24 घंटे जिला अस्पताल के अंदर पैथोलॉजी लैब हो, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, रोगियों की जांच और उपचार लगातार रहेंगे, लेकिन जो आप लोगों के सामने है वहाँ पर जांच की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वहाँ पर जांच 24 घंटे उपलब्ध नहीं है। उसमें हम लोगों ने माननीय सीएमओ महोदय से मांग करी है 24 घंटे जांच हो। जो अव्यवस्था फैली हुई, अभी आपने देखा कुछ समाचार पत्रों में आया था डेंगू के मरीज एक बिस्तर पर दो दो लोग लेटे हुए हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर के और दूसरा सुविधा शुल्क को लेकर के लगातार हम ये लोग मान रहे हैं और हमेशा शिवसेना इस विषय पर भी ज्ञापन देती रही है झोलाछाप डॉक्टरों को लेकर के। आज जो एक बड़ी स्थिति बनी है, कोरोना के समय भी ये स्थिति बन गई थी कि पैथोलॉजी लैबों और निजी अस्पतालों ने मिलकर के एक षड्यंत्रकारी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। 600 की जाँच को 1800 2000 उसको, और जब उनसे बात करी जा रही है तो वही कह रहे हैं कि ये मानक सरकार ने जिला अस्पताल के द्वारा तय हो गए हैं। हमारा कहना है इस पर छापावारी अभियान चलें। जो ये लैबों में पैसे अधिक लिए जा रहे हैं, निजी अस्पतालों ने डेंगू के नाम पर मरीजों को उसमें आईसीयू के नाम पर अधिक पैसे वसूलने के जो कार्यक्रम शुरू कर दिए, उन सब पर रोक लगे। उन्हीं विषयों पर आज हम लोगों ने माननीय सीएमओ महोदय से को ज्ञापन दिया और ये बात रखी है कि अगर इस विषयों पर अगर गंभीरता से वो नहीं लिया गया तो फिर हम जिलाधिकारी से लेकर सीएमओ के ऑफिस तक जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन शिवसेना करेगी। जय भवानी जय।